जी डियर व्यूवर्स, आज हम लोग यहाँ पर अपने बॉटनी गार्डन में आए हैं, यहाँ नर्सरी में, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट को लेकर आई हूँ, क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट हमारे पास, और आज हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस, हमारे गार्डनर है, ये हमें बताएँगे, बच्चों को सिखाएँगे भी, उसके बाद बच्चे ख़ुद भी परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदा, आपका नाम क्या है? फैसल। ठीक है अदा, आज आप हमें क्या दिखा रहे हैं? ये आपको कैक्टस ग्राफ करना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं थ्रेड की मदद से ये इसको जो है वो बांध रहे हैं। ये तकरीबन मिस कम से कम 10 से 12 दिन में ये खुलेगा। अच्छा ठीक है, और ये फिर दूसरा प्लांट इससे मतलब ये फिर मैंने इसके ऊपर ग्रोथ इसकी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। चले आए बेटा, अभी कौन पहले करेगा पौधा ग्राफ्ट? ये आप देख सकते हैं इन्होंने ग्राफ्ट कर दिया इसको, अब हम स्टूडेंट से इसको परफॉर्म करवाते हैं। आ जाए बेटा, आ जाए। जब यहाँ से ब्लेड काटोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये हम इसके एपिडर्मिस को रिमूव कर रहे हैं ताकि इसके टिश्यू जो है वो ये किनारियाँ बनाओ इसकी। छोड़ो दो आप, ये देखो आप टेक्निक देखें बेटा किस तरह से इसको बाइंड किया, ये देखिए। सही इसके ऊपर ये साइड बनाओ ग्राफ्टिंग। आराम से हाथ ही काट और इसको और अभी बिल्कुल स्ट्रेट करो सीधा, ये देखो ऊपर में ब्लेड पीछे से पकड़ के चलाओगे बिल्कुल क्लियर सही चलेगा। खराब कर दो ये देखो अभी आप, यह सीधा बिल्कुल आया, कोई मुश्किल तो नहीं इसको, सब रखो इसको। मेरी कोशिश ये करनी है जैसे उसका सेंटर है ना, वो सेंटर से सेंटर में है। चलें बांधे हम सही उंगली से है सारा दो नंबर बस लेते हैं। Thank you.
अभी ये स्टेमें पड़ी हुई हैं, करते जाओ और साइड में रखते जाना। Now you can see here the result. ये ग्राफ्ट हो चुका है। ये after 12 to 15 days जो है हमने इसको रखा है और ये आप रिज़ल्ट आपके सामने है। सो हम इसी तरह से ग्राफ्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। Now you can see here there are so many plants of cactus which has grafted. Another grafting cactus is under process. Now look it closely. There are different types and variety of cactus which are grafted here. Thanks for watching.